इटावा में लोगों ने सड़क जाम की और जमकर हंगामा किया। दरअसल सिपाही के साथ मारपीट करने के मामले में नामजद आरोपी महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और शव रखकर रोड जाम कर दी। सूचना पर एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। अधिकारियों के समझाने के बाद भी परिजन मानने को तैयार नहीं थे। देर रात एसएसपी ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सिविल लाइन पुलिस ने 7 जून को अजय कुमार, उसकी पत्नी सपना देवी, भाई पवन और संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें ट्रैक्टर रोकने पर एक सिपाही विजय के साथ मारपीट करने और कपड़े फाड़ने का आरोप था। मृतका की सांस का कहना है कि उसकी बहू ने पुलिस से प्रताड़ित होकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे आगरा ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पुलिस रोज घर में घुसकर अभद्रता करती थी और तोड़फोड़ कर रही थी। इसी बात से पूरा परिवार परेशान था। ये जो है 6 जून को एक पुलिस निजाम की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी 7 जून को। उसी में जो एक आरोपी महिला है, उनकी किन्हीं कारणों से डेथ हुई है, तो इनके परिजनों को ये शंका थी कि पुलिस की जो कार्रवाई थी शायद इससे है। लेकिन अब पीएम कराया जा रहा है, बॉडी को अभी आधा घंटे पहले यहाँ से मोर्चरी भेजा गया है। परिवार संतुष्ट है कि जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी, हमारे प्रशासन और पुलिस के लोग अब संतुष्ट हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम कहा है कि पुलिस की धारणा से पीड़ित होकर के उसने विषाक्त पदार्थ खाया, ऐसा कुछ क्या? देखिए, हम सभी तथ्यों को देख रहे हैं, और इसमें जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, पिछले 5 घंटे से जाम लगाए हुए थे, क्या मांगे क्या थी? नहीं, पिछले 5 घंटों से क्या, बीच बीच में जैसे सीओ सिटी और एसडीएम साहब आ गए थे, बात लोग मान गए थे, लेकिन उसमें नए नए लोग आते गए, जुड़ते गए, तो लोग असंतुष्ट रहे। बीच में आपने भी देखा होगा कि उन्होंने रास्ता खोल दिया था, लेकिन फिर नए नए लोग आते गए, उनके नातेदार हैं, इस कारण थोड़ा देरी हुई, लेकिन आधा घंटे पहले। उन्होंने तो कहा है कि पुलिस ने एक जो चौकी इंचार्ज और एसओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। नहीं, उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर ली गई। इटावा से एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।